गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 22 त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 से। एक बात और मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल आपके 11 क्वेश्चन बचे हैं सॉल्व करवाने के लिए। तो मैं 11 क्वेश्चन को ना सॉल्व करवा करके इन 11 क्वेश्चन में जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बचे हैं उसका आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी एवं कोण सी के अंतः अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 70 डिग्री तो कोण बी ओ सी होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, कोई आपका त्रिभुज है, इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया ए बी सी, इसका मैंने नाम दिया, इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ए बी सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण बी एवं कोण सी के अंतः अर्धक बिंदु सी पर मिलते हैं, यानी कि कोण बी और कोण सी का अंतः जो अर्धक है, अंतः जो आपका अर्धक है वो आपका बिंदु ओ पर मिलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यदि कोण ए का मान 70 डिग्री है तो आप बताइए कि कोण बी ओ सी यानी इस कोण का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन की भाषा को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले बोला है कि कोई त्रिभुज आपका ए बी सी है जिसमें कोण बी और कोण सी का अर्धक बिंदु ओ पर मिलता है। यदि कोण ए का मान 70 डिग्री है तो आपको बताना है कि कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, कोण बी ओ सी का आपको मान बताना है। तो कभी भी दो कोणों का अर्धक त्रिभुज के अंदर, कभी भी दो कोणों का अर्धक को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है और इसका यदि कोण आपसे पूछा जाता है तो इसका जो मान होता है वह आपका होता है 90 डिग्री प्लस का कोण ए बाई टू। तो यहाँ पर आपका हो गया 90 डिग्री, कोण ए का मान है 70, तो 70 डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ से मिला और 70 डिवाइडेड बाई टू यानी 35 डिग्री यहाँ से मिला, तो 90 और 35 जोड़ेंगे तो 125 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण बी ओ सी का जो मान होगा वो आपको 125 डिग्री मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रमेय ध्यान में रखिएगा, कभी भी त्रिभुज के अंदर दो कोणों का अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट का कोण आपसे पूछा जाए तो 90 डिग्री प्लस का कोण ए बाई टू होता है। तो उसी फार्मूले पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी तथा 13 सेमी है, यह त्रिभुज है। यानी कि कोई आपका एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी दे रखा है। मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया ए बी सी, यह आपका एक त्रिभुज है ए बी और सी, इनकी जो भुजाओं की माप दे रखा है 6 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी दे रखा है। आपको बताना है कि इस भुजाओं वाली यानी 6 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी भुजा वाला जो त्रिभुज बनेगा वह आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, कि त्रिभुज असंभव होगा कि समकोणी होगा, यानी कि किस टाइप का त्रिभुज बनेगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा अधिक होता है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, ए बी भुजा का वर्ग प्लस बी जी
का वर्ग अधिक होना चाहिए एसी भुजा के वर्ग से। तो त्रिभुज का जो नियम होता है उसमें हमेशा और हमेशा दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो मैंने ए वाली भुजा ले लिया और ए वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग मैंने बड़ा कर दिया इस भुजा के वर्ग से। तो देख लीजिए AB का जो मान है वो आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का BC का मान आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा मस्ट बी ग्रेटर देन। AC का मान कितना है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मस्ट बी ग्रेटर देन, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। इसको दोनों को जोड़ लीजिए तो 180 आएगा, यह बड़ा है 169 से। यानी कि त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के जो वर्गों का योग है तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है। त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के जो वर्गों का योग है तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो इस कंडीशन में कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो इस कंडीशन में प्यारे दोस्तों आपका न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो तो उस कंडीशन में न्यून कोण त्रिभुज बनता है। वहीं पर इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वहां पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो देख लीजिए समकोण के लिए कंडीशन क्या बनेगा, समकोण के लिए कंडीशन बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यानी कि समकोण की कंडीशन में त्रिभुज के दो भुजाओं के जो वर्गों का योग होगा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी यह वाला कंडीशन फॉलो करेगा, त्रिभुज का यह भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग का जो जोड़ होगा तीसरी भुजा के वर्ग के यदि बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका समकोण त्रिभुज बनता है। अब देख लीजिए किस कंडीशन में अधिकोण त्रिभुज बनता है। तो प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि आपका यहीं पर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता तो उस कंडीशन में अधिकोण त्रिभुज बनता। तो उसको भी देख लीजिए, यानी कि अधिकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन बनेगा ab² + bc² का मान कम होता किससे, ac² के मान से। यानी कि जब कभी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम हो तो उस कंडीशन में आपका अधिक कोण त्रिभुज बनता है। तो समझ में आ गया होगा तीनों कंडीशन कि किस कंडीशन में समकोण त्रिभुज बनता है, किस कंडीशन में न्यून कोण त्रिभुज बनता है और किस कंडीशन में आपका अधिक कोण त्रिभुज बनता है। तो तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, समकोण पर भी पूछा जा सकता है, अधिक कोण पर भी पूछा जा सकता है और न्यून कोण का भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर आपने निकाला है न्यून कोण त्रिभुज, इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी तथा कोण एसीबी के अर्धक ओ पर मिलते हैं तो कोण बीओसी बराबर है, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 में कोई आपका त्रिभुज एबीसी है, मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया आपका इस प्रकार से, एक त्रिभुज है आपका एबीसी, यह आपका एक त्रिभुज मैंने बना लिया एबीसी। बोला है क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण एबीसी तथा कोण एसीबी का अर्धक, कोण एबीसी यानी इस कोण का अर्धक और कोण बीसीए का अर्धक यानी इस कोण का जो अर्धक है वह आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन में बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी जो कोण बी और कोण सी का जो अर्धक है वह आपका बिंदु ओ पर मिलते हैं तो आपको कोण बीओसी का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा
कि कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो बीच वाला आपका वैल्यू होता है यानी कोण बी ओ सी, यानी कि आपको केवल और केवल कोण ओ का मान निकालना है, यानी जो मध्य में होता है उसी का कोण आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आपको कोण बी ओ सी का मान बताना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 में ही बताया कि जब कभी भी कोई सा भी त्रिभुज दिया हो और उसमें दो कोणों का अर्धक करके एक पॉइंट पर मिलाई जा रही हो, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट का जो कोण होता है वह आपका होता है 90 डिग्री प्लस का कोण ए बाई टू, यही आपका होता है और यही आपको निकालना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, त्रिभुज एबीसी के कोणों बी तथा सी के आंतरिक द्विभाजक यक्ष पर मिलते हैं, यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री तो कोण बी एक्स सी का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 बताया और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कराया, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन नंबर 24 को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब प्यारे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, दिए गए चित्र में रेखा MN रेखा PR के समांतर है, कोण LBN बराबर 70 डिग्री और AB बराबर BC, तो कोण ABC का मान होगा, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला है कि MN रेखा PR के समांतर है, यानी कि जो आपकी MN रेखा है PR के समांतर है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो आपकी MN रेखा है वह आपका PR के समांतर है, PR के समांतर है। फिर आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोला है कोण LBN, LBN यानी L यहां पर आपका B पॉइंट है, N का मान आपका है 70 डिग्री, तो आपका बोला गया AB बराबर BC, यानी कि जो भुजा आपकी AB है और BC है दोनों बराबर है, यानी कि भुजा AB भुजा BC के बराबर मैंने कर दिया। फिर आगे बोला गया है कि कोण ABC का मान क्या होगा, आपको बताना है कि कोण AB और C का मान क्या होगा। कोण ABC कौन सा बनेगा, ABC, यानी कि आपको इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है, इसको मैंने मान लिया यक्स। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। ठीक, सबसे पहले बोला है कि जो MN रेखा है वो PR के समांतर है, तो मैंने समांतर कर दिया, और कोण LBN का मान 70 डिग्री तो भी मैंने लिख दिया, और बोला है कि जो आपका भुजा AB है वो BC के समांतर है, तो मैंने समांतर कर दिया। अब प्यारे दोस्तों एक प्रमेय आपने पढ़ रखा होगा कि जब दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनको जो तिर्यक रेखा काटती है उसका आंतरिक कोण बराबर होता है, यानी कि यदि आपका यह कोण 70 होगा तो यह भी कोण आपका 70 डिग्री होना चाहिए, यह आपका नियम है। रेखा का आप समीकरण पढ़ लीजिएगा रेखा चैप्टर को, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनको जो तिर्यक रेखा काटती है उनके आंतरिक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, आंतरिक कोण के साथ साथ बाह्य कोण भी बराबर होंगे, यानी कि यह कोण और यह कोण भी आपस में बराबर होगा, यह रूल है। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में जब ऑलरेडी बोला गया है कि जो भुजा AB है वह BC के समांतर है, भुजा AB जो है BC के समांतर है, तो जब भुजा आपकी AB और BC के समांतर होगी तो आपका यह कोण और यह कोण AB दोनों समांतर होंगे। यह मैंने आपको बेसिक दब बताया था इस चैप्टर का, तभी बताया था कि जब दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनका जो दोनों कोण होता है वह भी समांतर होगा, यानी यह 70 है तो यह भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है कि जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो, यानी दो भुजाएं आपस में समान हो
तो उनसे जो बनने वाला कोण होता है वो भी समान होता है, तो यह 70 है तो यह भी 70 है। आपको x डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी को ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी एक कोण तो आपका है 70 डिग्री और दूसरा भी कोण आपका है 70 डिग्री और एक कोण मैंने मान रखा है 180 डिग्री, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से 180 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री। x का मान कितना आएगा, x का मान 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री, यानी कि जो x का मान होगा वो आपका 40 डिग्री हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चीजों को और जो आपके रूल है उसको आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, दिए गए चित्र में एसी कोण ए को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, कोण एक्स एवं कोण वाई के मान है, यदि एबी बराबर एसी एवं एडी बराबर डीसी। यह भी क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि एसी कोण ए को दो बराबर भागों में बांटती है। एसी जो आपका यहां पर आपका सी है, इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका सी है, यहां पर आपका बी है। जो आपका है एसी कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी जो एसी भुजा है इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी यह x है तो आपका यह भी x होगा। यह क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि जो भुजा आपकी एसी है कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, तो यह x है तो यह भी आपका x डिग्री ही होगा। फिर आगे बोला गया है कि AB बराबर AC, यानी कि जो भुजा आपकी AB है और AC है दोनों आपस में बराबर है, यानी भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों बराबर है, तो इसको मैंने बराबर का साइन लगा दिया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए डी और डी सी भी बराबर है, यानी कि जो भुजा ए डी है और भुजा डी सी है ये दोनों भी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसको मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब आपको बताना है एक्स और वाई का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में ही मैंने आपको बताया था, जब कभी भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो यह कोण और यह कोण भी आपका आपस में बराबर होगा, तो यह 80 डिग्री है तो यह भी आपका 80 डिग्री ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो भुजा AC और AB दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके संगत कोण कौन बन रहे हैं, ए वाला कोण और ए वाला कोण, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसको मत कीजिएगा, बस संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर करना है। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज आपको देखना है ABC में, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो आपका एक कोण है x, दूसरा कोण है आपका 80 और तीसरा कोण है आपका 80, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसको भी डिग्री कर लीजिए, इसको इसको, तो यहां से x डिग्री का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस का 160 डिग्री, तो x डिग्री का मान आपको कितना मिल जाएगा, x डिग्री का मान आपको मिल जाएगा 20 डिग्री, यानी कि इस x का जो मान है वह आपको मिल गया 20 डिग्री। अब देखिएगा, यह x है तो यह भी x है, तो इसका 20 डिग्री मान होगा तो इसका भी आपका 20 ही डिग्री होगा। इतनी सी बात आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भुजा AD आपकी है वह भुजा DC के बराबर है, यानी कि भुजा AD भुजा DC दोनों आपस में बराबर है, तो सेम रूल आपका लगेगा कि संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इसका 20 डिग्री मान है तो इसका भी आपका 20 डिग्री ही मान होगा। अब आपको वाई का मान निकालना है,
तो अब आप देखिएगा त्रिभुज एसीडी से, त्रिभुज आपको देखना है एसीडी में, त्रिभुज एसीडी को ध्यान से देखिएगा, एक कोण आपका 20 डिग्री है, दूसरा भी कोण आपका 20 डिग्री है, एक आपका वाई डिग्री, इन तीनों का योग 180 के बराबर होना चाहिए। तो 20 डिग्री प्लस का 20 डिग्री प्लस का वाई डिग्री का मान आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप वाई का मान निकालेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से x का मान आपने निकाल लिया 20 डिग्री और y का मान आपने निकाल लिया 140 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी प्यारे दोस्तों आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है केवल रूल और रेगुलेशन कि त्रिभुज पर कौन कौन से रूल किस कंडीशन में अप्लाई होते हैं। तो त्रिभुज के किसी भी क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23। यदि आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।